दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम करतार सिंह सांदिल है। मैं गांव कदाना, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 23 सालों से मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र के साथ जुड़ा हूं। मैं पिछले 5 सालों से एक MLM का ट्रेनर और मोटिवेटर होने के नाते पिछले 5 सालों से 12 कंपनियों को अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। आज मैं आपको JSSL कंपनी के तुलसी अमृत नाम के उत्पाद के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि तुलसी एक रामबाण औषधीय पौधा है जिसका उपयोग हमारे संत महात्मा और वैद्या सदियों से जन कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे बुज़ुर्ग किसी भी औषधीय पौधे को धार्मिक विषय के साथ जोड़ते हैं, जबकि हमारी न्यू जनरेशन इसे वैज्ञानिक नज़रिए से देखती है। इसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि तुलसी नाम के पौधे को हिंदू लोग अपने आंगन में एक बहुत ही बढ़िया मनमोहक स्थान में एक स्थापना करके इसकी पूजा इसलिए करते हैं कि इसकी शादी श्री भगवान कृष्ण जी से हुई थी। लेकिन वही हम जैसे JSSL के हर्बल उत्पादनों से जुड़े लोग इसे मानव कल्याण के लिए इसलिए उपयोगी मानते हैं क्योंकि इसके एक्सट्रैक्ट, जिसे हम हिंदी में रस या सार कहते हैं, इसमें 22 प्रकार के हर्बल औषधीय गुण हैं। ये आपके शरीर में से निकलने वाले टॉक्सिन, ऑक्सीडेंट, जिसे हम जहर भी कहते हैं, उनके विरोध में ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करके हमारे शरीर को निरोगी रखने में मदद करती है। हमारी JSSL नाम की कंपनी ने भारत की 5 सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया क्वालिटी की 5 तुलसियों का के रस का इसमें इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमारी कंपनी ने कृष्णा तुलसी, जिसे हम ऑसिमम सैंक्टम कहते हैं इंग्लिश में, दूसरी बंजरी तुलसी, जिसे इंग्लिश में हम ऑसिमम ग्रेटिसम कहते हैं, काली तुलसी ऑसिमम कैनम, बंबूई तुलसी ऑसिमम बेसिलिकम, गांडलाल तुलसी, इन 5 प्रकार की तुलसियों के रस का इस्तेमाल करके हमारी कंपनी ने इस जो ड्रॉप उत्पाद हमारे लिए तैयार किया है, इसका नाम तुलसी ड्रॉप न रख के तुलसी नेक्टर, मतलब तुलसी अमृत का नाम दिया है। आपने इसका इस्तेमाल प्रतिदिन पानी के एक गिलास में 3 या 4 बूंदा मिलाकर खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। चाहे तो आप खाना खाने के उपरांत आधे घंटे के बाद शाम को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 12 साल से छोटे बच्चों को इसका उपयोग करवाना चाहते हैं तो 100 मिलीलीटर के कोसे पानी में 2 बूंद डालकर आप इसे उन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप शिशुओं को, जो बहुत ही कम उम्र के 2-3 महीनों की एज के हैं, जैसे ऊपर के 2-4-5 साल की एज के हैं, तो आप उसे 50 मिलीलीटर पानी के अंदर एक बूंद मिलाकर भी इसे दे सकते हैं। अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं या कोई बीमार लोग जो चारपाई पे पड़े हैं, अगर आप उनका आशीर्वाद भी पाना चाहते हैं, तो आप 2 लीटर की पानी की बोतल के अंदर 8-10 बूंदें इसमें मिलाकर उन्हें दे सकते हैं कि जब भी आपको प्यास लगेगी तो आप इसी ही पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके शरीर के अंदर, उनके शरीर के अंदर खाने पीने के कारण जो भी जहर उत्पाद होगा वो इसका तुलसी अमृत उसको निष्क्रिय कर देगी और वो बची हुई अपनी शेष जिंदगी निरोगी तौर पे जी सकते हैं। तो इसके और भी अन्य फायदे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तुलसी अमृत की अगर बैठे हुए गले में 2-3 बूंदें अगर आप डालते हैं तो आप अपने गले को उसी टाइम खोल सकते हैं। अगर आपने कहीं गाना गाना है या कहीं पे आपको लेक्चर देने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपको लगता है कि आपके गले में वो आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो आप अपने गले के अंदर इसकी 3-4 बूंदें डालकर देखिए, उसी समय आप इसका रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरा फायदा इसका है कि अगर आपके दांतों में से बदबू आती है तो आप JSSL के टूथपेस्ट पर 1 बूंद तुलसी अमृत की डालकर अगर ब्रश करते हैं तो आपके दांतों में चमक भी आएगी और साथ में आपके मुंह की बदबू भी चली जाएगी। और अगर आप मसूड़ों में, आपको सूजन है मसूड़ों में, आपके सड़न है, काले फिर गए हैं वो और उसमें कालापन आ गया है, अगर आपको पायरिया नाम की समस्या भी है, तो आप खाना खाने के उपरांत गर्म पानी में
दो तीन बूंदा डालकर पानी को आधे से एक मिनट तक मुंह में रख के कूला करें, आपको बहुत ही फर्क महसूस होगा। तीसरा, आप इसका और फ़ायदा ले सकते हैं कि अगर आपके शरीर में से पसीने की बदबू आती है, आपको खुजली होती है, तो आप GSL के ब्यूटी सूप से नहाने के उपरांत एक छोटे मग में 100 मिलीलीटर पानी के अंदर 3-4 बूंदें मिलाकर नहाने के उपरांत अगर इसकी का इस्तेमाल करते हैं, मालिश करते हैं, और उसके बाद आप तौलिए से बिना पूछे कपड़े पहनते हैं, तो आप इसके भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपके बालों में सिकरी है तो आप GSL के केस स्ट्रॉन्ग ऑयल्स में जब भी आप मालिश करें, कटोरी में तेल की के साथ 2-3 तुलसी अमृत की बूंदें डालें, आपको इसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सिकरी भी आपकी सिर से गायब हो जाएगी और बालों के बीच में दिन भर महक भी आती रहेगी और साथ में चमक भी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर किसी के कान में दर्द है तो शुद्ध सरसों के तेल को गर्म करके इसमें 2 बूंद कान में डालेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और एक बात का आपने और ख़ास ध्यान रखना है कि एक कान में दर्द होने पे केवल आपने तेल मिले तुलसी के अमृत की बूंदों को एक ही कान में नहीं डालना है, आपको एक कान में भी दर्द है तो भी आपको दोनों कानों में से डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त सर्दी या नसों के कारण अगर आपके कानों में दर्द है तो उससे भी आपको उस तेल में जो आपने तुलसी अमृत की बूंदें डाली हैं उससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बहुत दर्द से निकलते हैं, क्योंकि मसूड़े वहाँ से फटते हैं, बच्चों को दर्द होती है, बच्चे बहुत रोते चिल्लाते हैं। तो अगर बच्चों के दांत निकलने के समय आपने क्या करना कि चने की दाल के बीच में 1-2 चम्मच आप दूध के ले सकते हैं, उसमें आप चने की दाल डाल दीजिए, साथ में तुलसी की 2-3 अमृत की बूंदें डाल दीजिए। उसके बाद जब वो दाल गल जाती है तो उसका आप पेस्ट बनाकर बच्चों के मसूड़ों में लगाते हैं, तो उस पेस्ट से आपके बच्चों के जो दांत निकलेंगे बिना किसी तकलीफ के निकलेंगे। चाहे तो आप इसे 4-5 दिन तक लगातार दोहरा सकते हैं जबकि बच्चे के दांत नहीं निकलें, और साथ में जो आपने चने की दाल का इस्तेमाल किया है उसे आप केवल हर दूसरे दिन नई दाल डालकर, नया दूध डालकर 2 चम्मच उसमें और 2-3 तुलसी की बूंदा डालकर उसका उपयोग करें तो तभी ठीक रहेगा। अगर आप बासी 2 दिन की दाल को अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। इसके अतिरिक्त बच्चे के जो मसूड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और जो दांत हैं बिना किसी तकलीफ के और बिना किसी इन्फेक्शन के बाहर आएंगे। इसके अतिरिक्त आप इसका और फ़ायदा ले सकते हैं, महिलाओं बहनों की हमारी जब डिलीवरी होती है तो इसे आप डिलीवरी से पूर्व या 2-4 दिनों से पहले भी आप उसके प्राइवेट एरिए में 100 मिलीलीटर पानी में 10-12 तुलसी अमृत की बूंदें डालकर इसके आसपास रुई से धीरे धीरे मसाज करते हैं जब तक वो पानी सूख ना जाए, तो आप देख सकते हैं कि जो महिला को डिलीवरी के समय दर्द होगी बहुत ही कम दर्द होगी। और इसे आप 3-4-5 दिन लगातार या 2-3 बार हर 2-3 घंटे के उपरांत दोहरा सकते हैं जब तक डिलीवरी महिला की नहीं हो जाती। इसके बाद आप खुले जख्म पर भी तुलसी की 2-3 बूंदें डालेंगे तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके बाद आप और फ़ायदा ले सकते हैं, अगर किसी को बिच्छू सांप या कोई भी जहरीला कीड़ा काट गया है तो उस जहरीले जहाँ पे वो जख्म बना है या निशान बना है वहाँ पे अगर आप तुलसी की 2-3 तुलसी अमृत की 2-3 बूंदें डाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें से किसी तरह का इन्फेक्शन ही होगा। लेकिन आप इसका इस तरह का भी ध्यान रखें कि जब आपने तुलसी की बूंदें डाली हैं इसके बाद भी आपने उसका हॉस्पिटल के अंदर उपचार अलग से करवाना है, और जिससे वो इसी उसको किसी तरह की परेशानी नहीं पैदा होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको आज हमारी GSL के तुलसी के अमृत के बारे में जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा। इसके उपरांत इस वीडियो को अगर आपने अंत तक सुना है तो इसे आप बाद में सब्सक्राइब भी करें जिससे आपको मेरे अन्य GSL के उत्पादनों की जानकारी मिलती रहे और आप उनके फ़ायदों का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।